नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी सुटाई हुई आज, दाम भी नहीं ले पाए। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 2020 मैच हार गए यार। पहले तो न्यूजीलैंड वाले खेले 120 गेंद में 220 बनाने का लक्ष्य दे दिए, अपनी बारी आई तो लड़के 139 पर ही ची बोल गए। दूसरी खबर सबरीमाला से, मंदिर वाले मान गए हैं, मतलब त्रावणकोर देवस्वामी बोर्ड वाले मान गए हैं। बोले ना खाता ना वही, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वही सही। हम मंदिर में हर आयु की महिला की एंट्री का सपोर्ट करते हैं। जेएनयू नारेबाजी वाला मामला चल रहा था ना, अभी फिर अटक गया है। पहले पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं ली। कोर्ट ने कहा परमिशन लेनी चाहिए ना। अब दिल्ली सरकार ने फाइल दबा रखी है, अब कोर्ट ने इनको होंका है, पूछा है फाइल कहाँ है। ऐसे अनिश्चित काल तक तो फाइल लेकर नहीं बैठ सकते हो ना। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, कवाल हत्याकांड के सारे आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कुल 7 दोषी हैं, थे तो 8 लेकिन एक की मौत हो गई। ये वही हत्याकांड था जिसके बाद मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। मामले में 8 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। कई लोग कानाफूसी के स्वर में बोले कि योगी जी आए इसमें तो सजा सुना दी गई, और बाकी जिन पर दंगा भड़काने के इल्ज़ाम लगे थे उनमें से कईयों से मुकदमे वापस ले लिए गए। सियासत है, अपनी अपनी व्याख्याएं। हम बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज दिन भर रॉबर्ट वाड्रा चर्चाओं में रहे, कसा शिकंजा, कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ टाइप खबरें चली। क्या घट रहा है ऐसा रॉबर्ट वाड्रा के जीवन में। आज उनकी पेशी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई। तैयारी वाड्रा की तरफ से भी थी, 2 फरवरी को ही पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट से इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा 16 फरवरी तक की अग्रिम जमानत ले आए थे। लंदन में वाड्रा की मम्मी का इलाज चल रहा था, वहां से वो अमेरिका निकल गए, कल रात ही पेशी देने भारत आए। अब जो कुछ भी घट रहा है उसमें बीजेपी की सरकार का हाथ बता रहे हैं। नजर लागी राजा वाड्रा के बंगले पर, लंदन में उनके कथित बंगले का लफड़ा है। बंगला लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में है। इल्जाम है कि ये प्रॉपर्टी हवाला के जरिए करीब 19 लाख पाउंड यानी 18 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इसका पैसा दिया हथियार कारोबारी संजय भंडारी ने। इस प्रॉपर्टी को पहले संजय भंडारी ने खरीदा, फिर 2010 में इसे इतनी ही रकम में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम कर दिया गया। इस बंगले की मरम्मत और सजावट पर संजय भंडारी ने 65,900 पाउंड यानी लगभग 61 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उसका पैसा नहीं लिया, खरीद दाम पर ही रॉबर्ट वाड्रा को दे दिया। अब ये जो संजय भंडारी नाम आया, उनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स विभाग की जांच पहले से चल रही है। भंडारी हथियारों का विवादित दलाल है। उस जांच में मनोज अरोड़ा का नाम भी सामने आया। अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कर्मचारी है। ईडी का आरोप है कि मनोज के जरिए ही रॉबर्ट वाड्रा की इन संपत्तियों की डील हुई, और इसी को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। हथियारों के सौदागर से घर क्यों लिया वाड्रा ने, अगर हम इल्जामों के मुताबिक जाएं। ईडी वाले यही खोज रहे हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की माने तो लंदन में 4 संपत्तियां खरीदी गई। इसका पैसा दिया ब्रिटेन की कंपनी सिंटेक ने। सिंटेक के पास ये पैसा दलाली से आया। यूपीए के टाइम मतलब 2005 के एक रक्षा सौदे और 2009 के एक पेट्रोलियम सौदे की दलाली का पैसा। लंदन की प्रॉपर्टी पहले सिंटेक के नाम हुई, फिर इसे संजय भंडारी की कंपनी वोर्टेक्स के नाम किया गया। इसके लिए संजय ने 18 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। फिर 2010 में इस बंगले को दुबई के प्रवासी भारतीय कारोबारी सीसी थम्पी के नाम कर दिया गया। थम्पी ने यह खरीद एक कंपनी स्काईलाइट FZE के जरिए की। इस कंपनी का खाता शारजाह में है। इल्जाम है कि स्काईलाइट FZE रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है। ईडी को शक है कि दुबई में रहने वाले कारोबारी सीसी थम्पी भी रॉबर्ट वाड्रा के नजदीकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय सीसी थम्पी पर 1000 करोड़ रुपए के फेमा कानून को तोड़ने की जांच कर रहा है। और ये जो वाड्रा का मामला है इसमें क्या हो रहा है, ऊपर का ताना बाना आपने देखा उलझा हुआ है, और इसी की जांच हो रही है। और इसी सिलसिले में वाड्रा की आज पेशी हुई। खबर आई कि ईडी के दफ्तर तक उन्हें प्रियंका गांधी छोड़ने गई। इसे स्ट्रॉन्ग मैसेज बताया गया, परिभाषित किया गया, मतलब सरकार प्रियंका गांधी वाड्रा को डराने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल करती है तो कांग्रेस नहीं डरती है। और इस पर सियासी पंडितों ने कहा ये तो भाजपा के मन की बात हो गई, जितना रॉबर्ट प्रियंका या राहुल के साथ नजर आएंगे कांग्रेस पर हमला करने में भाजपा को उतनी ही आसानी होगी।
प्रवक्ता जी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। अब बात दूसरी बड़ी खबर की, तलब समझते हैं आप, एडिक्शन, जैसे कुछ लोगों को ट्विटर चलाने की तलब लगती है। एक तलब और होता है, वो वाला जो तलब किया जाता है। ऐसे ही ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया गया है, संसदीय समिति ने तलब किया, कहा आओ थोड़ा बातें करें, मुद्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का होगा। वक्त भी बताया गया, दिन सोमवार, तारीख 11 फरवरी, वैलेंटाइन सप्ताह में जिस रोज प्रॉमिस डे मनाया जाता है, उसी दोपहर 3 बजे संसदीय समिति के आगे ट्विटर के अधिकारियों की पेशी होगी। ये जानकारी दी इस समिति के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने। पर जानकार बताते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल है। दरअसल ट्विटर पर राइट विंग वाले भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, और आज से नहीं बहुत दिन से आरोप लगाए जाते हैं कि राइट विंग वालों के फॉलोअर नहीं बढ़ते, रीच घट जाती है, वहीं लेफ्ट वालों के ट्वीट तब भी दिख जाते हैं जब आपने उन्हें फॉलो ना किया। और इसमें, इस पूरे विवाद में, आग में घी का काम किसने किया? 1.5 हफ्ते पहले ट्विटर पर कई राइट विंग वाले ट्रोल्स के अकाउंट बंद कर दिए गए। ट्रोल्स का काम होता है फर्जी अकाउंट्स के पीछे बैठकर बिना अपनी पहचान बताए लोगों को जलील करना। लोगों ने उनकी पोल खोल दी, उनका असली नाम पता बता दिया। अब राइट विंग वालों ने कहा, हमारी पहचान जग जाहिर करना गलत है, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। लगे हाथ ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स भी बंद कर दिए तो बवाल बढ़ गया, अकाउंट खुलवाने के लिए ट्रेंड भी चलने लगे। और फिर 3 फरवरी आई, जब लोग ऑफलाइन उतर आए, मतलब सड़कों पर उतर आए सोशल मीडिया की दुनिया छोड़कर। साकेत मेट्रो स्टेशन पर भई ट्विटराटियन की भीड़। मीडिया में खबर आई कि एक ग्रुप है यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी, जो ट्विटर के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्विटर। ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। कहा गया ट्विटर इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नापसंद करती हैं, इसलिए ट्विटर की पॉलिसी बीजेपी विरोधी या मोदी विरोधी है। इस तर्क के समर्थन में महिमा कौल के 8-9 साल पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए। और हम पूरी बात क्या समझें इस सबसे? देखिए, सीधी सी बात है, सोशल मीडिया पर एक पार्टी का एजेंडा लेकर चलने वालों का कोई भरोसा नहीं होता। वो गालियां भी देंगे, झूठ भी बोलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे जब तक जब उनका नैरेटिव उनको सूट करे। अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। वो जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, जवाबदेही बनती है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जहां ये सब होता है। स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि ये लिमिट है, इससे आगे बढ़े तो चाबुक पड़ेगा। बस ये ध्यान रखा जाए कि अकाउंट बंद करना कोई उपाय नहीं है। कितने ही वेरीफाइड अकाउंट हैं जो झूठ फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। चुनाव सामने हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स चुनाव के समय गड़बड़ियों को लेकर निशाने पर रहती ही हैं। सोशल मीडिया साइट्स की चिंता रहती है कि वो कोई ऐसा काम न करें कि कोई उनका गला पकड़ सके। बाकी राइट विंग वाले भी ट्रोल्स के अकाउंट बंद होने पर आउटरेज करने से पहले एक बार उनके ट्वीट पढ़ लें, और जो राइट विंग के बाहर हैं वो भी आत्ममंथन कर लें। मैं भी ट्विटर पे हूँ, आप लोग तमाम लंतरानियाँ झोंकते रहते हैं और कई लोग अपनी जबान गंदी करते रहते हैं। आपको आपकी जबान मुबारक, मुझे मेरा लल्लनटॉप मुबारक। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बचपन में गाय पर निबंध लिखते हुए हम नहीं जानते थे कि गाय कितने काम का जानवर है। कई पंडित तो दावा करते हैं कि उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी पार हो जाती है, और कई कहते हैं कि वैतरणी का तो पता नहीं सरकार बन जाती है। और यही सबक लेकर कमलनाथ मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। ये हम नहीं कह रहे, कमलनाथ खुद चुनाव रैलियों के समय से गौवंश के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। गाय भारत के समाज, भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, मान्यताएं हैं, और भारत की जो कृषि है उसका बड़ा जरूरी हिस्सा है। लेकिन राजनेता इस हिस्से को अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और बदलते भी रहते हैं, और इसी से राजनेताओं की कुशलता तय होती है। लेकिन अति किसी भी बात की बुरी होती है। ये गाय पर इतनी बात क्यों? मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने खंडवा में 31 जनवरी को सामने आए गौ हत्या के एक मामले में एनएसए की धाराएं लगा दी। कारण बताया कि 3 में से एक अपराधी आत्तन अपराधी है। लेकिन फिर एनएसए लगाना बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में गौकशी पर पहले से प्रतिबंध है और स्थापित नियमों के हिसाब से कार्रवाई होनी ही थी। होता क्या है ये एनएसए? एनएसए जिसको हिंदी में रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 में इंदिरा गांधी से लेकर आई थी। बहुत ही ताकतवर कानून है। आमतौर पर अपराध होने के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन इस कानून के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, माने अपराध करने से पहले हिरासत में लेना।
केंद्र या राज्य सरकार को शक हो कि आप देश की सुरक्षा या हित के खिलाफ कोई भी काम कर रहे हैं तो आप हिरासत में लिए जा सकते हैं। पुलिस को आरोपी को हिरासत में लेने की जानकारी 5 से 10 दिन के अंदर राज्य सरकार को देनी होती है। अगर सरकार हिरासत शुरू होने के दिन से 12वें दिन के भीतर एनएसए लगाने को स्वीकृत कर दे तो उसे केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर बताना होता है कि आरोपी को हिरासत में लेने की वजह क्या है। केंद्र की इजाजत के बाद हिरासत 3 महीने तक बढ़ सकती है। 3-3 महीने करते हुए हिरासत 1 साल तक बढ़ सकती है। याद रखिए, हम हिरासत की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियों की नहीं। एनएसए आतंकवादियों और शातिर अपराधियों को वारदात करने से पहले रोकने के काम आता है। इसकी धाराएं लगाकर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी कर सकती है। इसके 16वें क्लॉज के तहत एनएसए की तामील के वक्त केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नेक नियत से उठाए किसी कदम को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बेहद ताकतवर कानून है, लेकिन ये ताकत जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए है। जैसा बुजुर्ग कह गए हैं, तलवार से पतलून नहीं सिलनी चाहिए। एनएसए के जरिए आप एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करें, ये जायज नहीं है। लोग इस बात का जिक्र ढूंढ लाए हैं जब इस बात पर चर्चा हुई कि 2016 में खुद शिवराज ने गोकशी के मामले में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अनवर मेव पर एनएसए लगाया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी इस साल उत्तर प्रदेश में गौकशी पर एनएसए की कार्रवाई की है। लेकिन हमारी बात अतिशयोक्ति लगे तो कुछ तथ्यों पर नजर डाल लीजिए। कमलनाथ सरकार 1000 गौशालाएं बनाने का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए पैसे की कमी ना हो तो लग्जरी कारों पर सेस की बात हो रही है। निराश्रित गौवंश को आश्रय का हवाला देते हुए सरकार शिवराज सरकार का वो फैसला पलट चुकी है जिसमें भोपाल के बुलफॉर्म की जगह पर आईएएस अफसरों के लिए गोल्फ कोर्स बनना था, और ये सब हुआ है सरकार बनने के 2 महीनों के अंदर। इसीलिए हम बार बार पॉलिटिकल मैसेज की बात कर रहे हैं। सियासत अपने वोटरों को संदेश देना कि वो गौवंश के भक्त हैं, गौ भक्त हैं तो हम भी बड़े गौ भक्त हैं, और उसी चक्कर में ये सारी कार्रवाइयां करना। कमलनाथ घाघ नेता हैं, खूब जानते हैं कि कौन सा मैसेज किसको देना है। जनता और बड़ी घाघ है, वो भी समझती है कि कौन सा मैसेज किस नियत के साथ दिया जा रहा है। आप जनता परम चतुर। आप दिन भर में कितनी ही बातें सुनते हैं, नए नए शब्द सुनाई पड़ते हैं, कुछ के मतलब आपको और हमें समझ में आते हैं और कुछ एलियन जैसे लगते हैं, जादू धूप। ऐसा ही एक शब्द है बिटकॉइन। मैं तबीयत से मजदूर हूँ, खुदाई करने वाला मजदूर। जो कुछ भी नया ज्ञान मिलता है उसके बारे में खोद खोद के जानकारी निकालने लगता हूँ। मैंने अपने एक कंप्यूटर वाले दोस्त से पूछा, भाई साहब ये बिटकॉइन क्या है, और उन्होंने ज्ञान दिया, बिट यानी कंप्यूटर डेटा और उसकी सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डेटा की, उसको बोलते हैं बिट। और कॉइन यानी कि सिक्का, जिसको हम रुपया भी बोलते हैं। गिलट का सिक्का होता था पहले 1 रुपए का, तो बिटकॉइन बना कंप्यूटर वाला पैसा। और ये बिटकॉइन होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो यानी सीक्रेट या सुरक्षित, और करेंसी यानी मुद्रा। तो क्रिप्टो करेंसी हुई कंप्यूटर में सुरक्षित मुद्रा। आज हम आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी शुरू करने वाले कनाडा के जेराल्ड कॉटन की मौत हो गई है और लोगों का पैसा फंस गया है। तमाम जगहों पर बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर $250 मिलियन फंसे हुए हैं। अब ना तो डॉलर समझ में आता है ना मिलियन, कट्टम जीरो करना पड़ता है। हमने कहा, भाई साहब इसको बदल दो भारतीय रुपए में, और बदला तो आया 1700 करोड़ भारतीय रुपया। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी बैंक में काम करते हैं, पैसा इधर से उधर ले जाते हैं। हमने उनसे पूछा, चाचा जी ये कितना पैसा है? बोले, बेटा लाल ये समझ लो कि 17 ट्रक बड़े वाले भर जाएं, इतना पैसा है बैंक की जो शिफ्टिंग होती है रकम की उसके हिसाब से। तो इतने सारे पैसे के बारे में हम आपको आज आसान भाषा में बताने वाले हैं। सबसे जरूरी दो सवाल। सवाल नंबर 1, सीईओ की मौत हो गई तो पैसा कैसे फंस गया? देखिए साहब, जब आप अपना असली रुपया कमाते हैं और उसे बैंक में रखते हैं तो आपका पैसा असली फॉर्म में यानी नोट और सिक्कों के फॉर्म में बैंक के पास जाता है। अब आपकी सैलरी अगर डिजिटल फॉर्म में आपके खाते में आ रही हो और आपको SMS मिल रहा हो, तब भी RBI के पास तो सोना है ही ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। आप एक कंपनी को पैसा देते हैं और किसी डेटाबेस में आपका नाम चढ़ जाता है कि फलाने ने इतने रुपए दिए और उसे इतनी क्रिप्टो करेंसी दे दी गई। अब उस करेंसी की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, जैसे शेयर्स के साथ होता है। ये घटाव और बढ़ाव डेटाबेस में अपडेट होता रहता है। कनाडा की क्वाड्रिगा CX क्रिप्टो करेंसी का CEO था जेराल्ड कॉटन, था यानी कि अब उनका देहांत हो चुका है। और जब वो मरे तो मरने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर गए।
अब जब पत्नी से क्रिप्टो करेंसी की बात की गई तो उनका कहना है क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी जानकारी है वो एक लॉकर में है और उसका पासवर्ड उनके पास है जो गुजर गए, यानी उनके पतिदेव। लोगों का पैसा किसी बैंक में होता है, कहीं भी होता है, तो बैंक मैनेजर से लेकर चाय वाले तक से आप जुगाड़ करा के लॉकर की चाबी निकलवा लेते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ कंप्यूटर डेटा के रूप में था जिसका पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति मर चुका है। और यहीं से उपजता है सवाल नंबर दो, मौत दिसंबर में हुई तो बात अभी क्यों हो रही है? इसका जवाब यह है कि कनाडा की नोवा स्कॉटिया कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि क्वाड्रिका सीएक्स को अगले 30 दिनों तक कोई भी ग्राहक परेशान नहीं करेगा और इतने वक्त में कंपनी को अकाउंटिंग फर्म अर्नेस्ट एंड यंग की मदद से किसी भी हाल में क्रिप्टो करेंसी की बिक्री शुरू करनी ही पड़ेगी। तो सारा खेला पासवर्ड का है। पासवर्ड तो ज्यादातर भाई लोग डालते हैं इंडिया 123, कई लोग 123456 भी डालते हैं, कई इंडिया @123 डालते हैं। ये लोग भी ट्राई कर लें, शायद धप्पे में ऐसा ही लग जाए। कई बार होता है ना कि चीज़ बिल्कुल सामने दिख रही होती है, महा आसान होती है, लेकिन हम दुनिया भर में खोज रहे होते हैं जटिल जटिल चीज़ों में। ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, अब एक गंभीर बात। लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप आ गई है, अपना मोबाइल लीजिए, गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, अपने दोस्त लल्लनटॉप का नाम टाइप करिए और फिर जो आए उस पर धड़ाक से क्लिक कर दीजिए। ऐप डाउनलोड हो जाएगी और उसका फ़ायदा, लल्लनटॉप की कोई भी चौचक खबर आपसे मिस नहीं होगी और कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से गुजरे बिना खत्म नहीं होगा, बीतेगा नहीं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, जिंदगी में सुर साधते रहिए, कविता और उसके भाव को गुनते रहिए। शुक्रिया।